हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल मैकेनिकल आइडिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूँ आपका दोस्त अंकुर। और ऑन शेप नहीं, सॉरी दोस्तों, सॉलिड वर्क के ऊपर आज मैं हिंदी ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ। सारे के सारे एप्लीकेशन को मैं आपको अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, आज मुझे आपका एक कमेंट मिला था कि हमारे स्टूल बार के अंदर, जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल स्टूल है, अब हम इस टूल बार के अंदर इसको ऐड कैसे करें, कहाँ से करें। मतलब मैं कोई भी, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी स्टूल है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन कुछ फंक्शन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो हम उसको ऐड कैसे करें, ठीक है, तो उसी के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बनने वाला है दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने ये एक्स्ट्रा, जब भी आप सॉलिड वर्क इंस्टॉल करेंगे पहली बार, ये चाहे 2090 हो या 2020 हो, कुछ भी वर्जन हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी कोई भी चीज़ इंटर करना चाहते हैं, मतलब एक्स्ट्रा लगाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों। सबसे पहले आप कोई भी वीडियो या कोई भी कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर जब देख रहे, तब उसका आपको आइकॉन याद रखना होगा कि ये आइकॉन क्या चीज़ है, ठीक है। ये आइकॉन जो है वही चीज़ है, ये आइकॉन आप याद रखना होगा, ये नाम से कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक ये स्टूल बार आपको दिख रहा है, चाहे कोई भी स्टूल बार ले लो, जिस स्टूल बार के अंदर आपको इंटर करना है उसी को यहाँ से ओपन रखना है। मान लीजिए आपको ये फ्यूचर में इंस्टॉल करना है, इंटर करना है, तो ये खुला होना चाहिए। यहाँ पे कैच के अंदर इंटर करना है तो ये खुला होना चाहिए, और भी किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करना चाहिए तो ये खुला होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फेस के अंदर यहाँ पे नॉर्मल टू का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये टूल बार के ऊपर राइट क्लिक करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने दिख रही है, ठीक है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर कस्टम नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे कस्टम नाम के ऑप्शन के अंदर जाते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ वापस से यहाँ पे दिखाई गई है, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक कमेंडेड नाम का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे के सारे लोगो आपको दिख रहे होंगे, नाम नहीं दिखेगा दोस्तों, सिर्फ लोगो दिखेगा। जैसे मैं कैच के अंदर जाता हूँ तो इतने सारे लोगो यहाँ पे कैच के अंदर अभी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इसे एक्स्ट्रा में भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ से पार्ट बाय पार्ट वन नॉर्मल टू को ढूंढना होगा, कि नॉर्मल टू जो है टूल का आइकन आपको याद रखना होगा और उसे ढूंढना होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नॉर्मल टू यहीं कहीं मिल जाना चाहिए, ये रहा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे दोस्तों से ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की थी तब जाके ये मिला था। लेकिन इसके अंदर देख सकते हो टूल वगैरह बहुत सारे, जितने भी सॉलिड वर्क के ऊपर आइकॉन दिख रहे हैं आपको, वो सारे के सारे यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे उस लोगों ने, सॉलिड वर्क वालों ने क्या किया, पार्ट बाय पार्ट वन उसको एक फोल्डर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, मतलब रखा हुआ है, ताकि आप उसे ढूंढ पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल टू है, इसको यहाँ से कुछ नहीं करना, सिर्फ हमारे लेफ्ट की दबा कर यहाँ से डायरेक्ट कर देना है ड्रैग, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना, और हमें यहाँ से कर देना है ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले कैच में था और अब यहाँ पे फ्यूचर में भी ये नॉर्मल टू आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ टूल की ज़रूरत नहीं होती है, तब हम उसे निकालना चाहते हैं, कि हमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, हम उसे वहाँ से हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, वापस से जाना होगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, जिस टूल से आप हटाना चाहते हैं उसे राइट क्लिक करना होगा, फिर कस्टम में जाना होगा। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे कमेंट्स में जाना होगा, उसके बाद वापस से उसी टूल के अंदर जाना होगा जहाँ से आपने वो उठाया है, ठीक है, वरना उसके अलावा किसी भी टूल में आप जा सकते हैं, लेकिन जहाँ से उठाया वहाँ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर से ये जो टूल है यहाँ पे नॉर्मल टू, उसे आप निकालना चाहते तो वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देना है, तो ये अपने आप वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर उसको चाहिए तो यहाँ से डैब ऑन टैप करके वहाँ पे रख देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कर देना है ओके। तो ये टूल यहाँ पे आप देख सकते हो,
ये यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का जो कमेंट मिलता है मैं उसी का इसी तरह से वीडियो बना के आपको रिप्लाई करूँगा दोस्तों, आपको कमेंट में समझाऊँगा। तो ये सब चीज़ें कमेंट में समझाना थोड़ी सी मुश्किल है और आपको समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे मैं हिंदी ट्यूटोरियल आपके लिए एक पार्ट बाय पार्ट वन बना के लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट में बताना, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में दोस्तों।